हेलो। हेलो। सर ठीक है, स्लाइसिंग सीख है और कहते ये हमने वैल्यू देखो चेंज करके देखी तो ये इसने एरर दे दिया कि आइटम डज नॉट ऑब्जेक्ट टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, सर जैसे भी ऐसा करते कमेंट कर दे रहे, तुम्हें छोड़ दे रहे, ये तुम्हें याद रहेगा, इससे एरर देगा ये हमें। फिर इसके बाद क्या है सेट। ठीक है, इसमें कहते हैं इंडेक्सिंग है, वो इंडेक्सिंग तुम लोग खुद ही ट्राई कर लेना। और ये याद रखना एक पॉइंट, टपल्स आर फास्टर देन लिस्ट। अगर कोई तुमसे कहे कि हम कोई काम करना चाहते हैं जो थोड़ा जल्दी हो, तो हम कहते लिस्ट यूज करेंगे या टपल। तो याद रखना कि टपल हमारा फास्ट होता है। ठीक, लिस्ट से ठीक इसके आगे हमारा सेट, तो अब सेट भी देख लेते हैं। ठीक है, अब जो सेट क्या है, अभी तक क्या था, लिस्ट और टपल हमारे क्या थे, ऑर्डर्ड थे। ये हमारा क्या है, अनऑर्डर्ड सीक्वेंस है। अनऑर्डर्ड सीक्वेंस मतलब कि अब हम इसमें इंडेक्सिंग वगैरह नहीं कर सकते अगर कहते अनऑर्डर्ड है कोई चीज, तो मतलब कि कोई ऑर्डर सेट ही नहीं है, तो हम इंडेक्सिंग कैसे बता देंगे। ठीक है ना, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो एक S1 नाम से बना लेते हैं हम लोग। S1 नाम से हमने अपना सेट बना लिया। सेट हमेशा रहता है किसमें, कर्ली ब्रैकेट्स में। हेलो। सर अच्छा, वो कर्ली ब्रैकेट्स में करते हैं हम सेट। इसके अंदर देखो क्या है, एक चीज, दे डोंट हैव डुप्लीकेट्स। अभी तक देख रहे हो ऊपर क्या हुआ था, देखो 2543 253, देखो रिपीट हो रहे थे, लेकिन हाँ हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो ये रिपीट नहीं होने देता है। ये तो हम ऐसे करते हैं, इसके अंदर भी 2 3 1 5 3 2 4 और फिर 3 ऐसे करके देख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हेलो और हेलो करने की कोशिश करी हमने, उसके बाद ठीक हमने क्या हुआ, रिपीट करने की कोशिश करी इसमें कई सारी। ठीक है, रन किया। अब नीचे हम अपना प्रिंट करवा लेते हैं S1 को, और कॉमा टाइप भी देख लेते हैं किसका, S1 का। रन किया तो देखो अब सारे डुप्लीकेट्स थे इसमें से गायब हो गए। ठीक ठीक है, ये सारे डुप्लीकेट्स हटा दिए इसने ऑटोमेटिकली। और देखो क्या कहा हमने कि ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड मतलब कि इसका कोई सीक्वेंस, मतलब कि हम कहते हैं इसमें इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। हमने बोला अगर S1 ब्रैकेट 0 तो ये एरर देगा। ठीक है, कहा इसने सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ठीक है, ये हमें एक एरर दे रहा है, इसमें स्लाइसिंग नहीं कर सकते। तो इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें यूनियन इंटरसेक्शन है। यूनियन इंटरसेक्शन हम जब फंक्शन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, इसके फंक्शन सही हैं काफ़ी, तो वो बाद में देखेंगे। ये याद रखना कि इसके अंदर डुप्लीकेट्स कभी भी नहीं आते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ठीक क्लियर हो गया, सेट क्या है, अनऑर्डर्ड है प्लस इसके अंदर डुप्लीकेट्स नहीं आते हैं, और बंद होता है स्क्वायर मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। क्लियर। हेलो, सर नहीं है। फिर इसके बाद है हमारा डिक्शनरी, डिक्शनरी देख लेते हैं। अच्छा, ये सब देखने से पहले देखो ये चीज रहेगी, इससे ही आता है। अगर हम चाहते हैं कि मान लो बताएं, हमने बोला कि जो इसके नीचे नया सेल बनाना, हमने बोला कि List1 जो है L1, इसके अंदर आइटम कितने हैं, ये गिनती बताओ इस आइटम की। इसके अंदर एक फंक्शन होता है बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल है, ये तुम्हें याद भी रह जाएगा आराम से। जैसे तो टाइप के लिए क्या था, टाइप था। ठीक है, लेंथ प्रिंट करनी तो उसके लिए लेन है। ठीक है, LEN, सिंपल। लेंथ किसकी चाहिए, हमें ब्रैकेट में देना पड़ता है, जैसे टाइप में ब्रैकेट में देना पड़ता है, ऐसी लेंथ के लिए देना पड़ेगा। हमने बोला कि L1 की लेंथ बताओ, रन करेंगे तो ये बता देगा 9 है इसका। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, 9 आइटम्स इसमें अवेलेबल हैं, तो इसने बता दिया डायरेक्टली, सिंपल लेंथ पता करिए उससे। तो
ठीक है, ऐसे ये स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं इसका प्रिंट ऑफ लेंथ ऑफ एस, रन किया इसने बता दिया 35। ठीक, ऐसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे पूरी है 35 की लेंथ है, डॉट भी काउंट करेगा और वो स्पेसेस को सबको काउंट करता है। ठीक है जी, इस तरीके से हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, सिंपल कमांड। फिर आते हैं हम डिक्शनरी, ऐसे हम सेट की भी लेंथ कर सकते हैं, सेट के लिए भी हैगा लेंथ ऑफ एस वन, बता दिया इसने 7 की लेंथ है हमारी एस वन की। ठीक है, डिक्शनरी पे आते, देखो डिक्शनरी क्या है हमारा, इसमें भी देखो ये क्या लिखा है, अनऑर्डर्ड। ठीक है, ये मतलब इसमें भी कोई ऑर्डर नहीं है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। जैसे हमारी सिंपल डिक्शनरी होती है तो उसके अंदर भी की वैल्यूज होती हैं, एक वर्ड होता है उसकी कुछ मीनिंग होती है, होती है। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, की वैल्यू पेयर है ये इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर पाइथन के अंदर। फिर उसके बाद है जो की है वो हमेशा यूनिक होगी, जैसे कि हमारी डिक्शनरी होती है तो डिक्शनरी में हमेशा देखना जो हमारा वर्ड हम ढूंढ रहे होंगे वो हमेशा यूनिक होगा, वैल्यू चाहे सेम हो सकती है, मतलब कि कोई वर्ड की मीनिंग मैच कर सकती हैं लेकिन वर्ड हमेशा अलग रहेगा। पूरी डिक्शनरी में देखना कि सबसे पहला जो वर्ड होता है वो हमेशा डिफरेंट होगा, सारे के सारे डिफरेंट होंगे लेकिन जो मीनिंग्स होंगी वो मैच हो सकती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब दो तीन वर्ड का मीनिंग होता है ना कि हैप्पी होता है, दो तीन वर्ड होते हैं जिनका मतलब हैप्पी होता है, तो वही चीज़ है कि मतलब कि हमेशा यूनिक होनी चाहिए और वैल्यू हो सकती है सेम, कोई कोई दिक्कत नहीं है, वही डिक्शनरी का सेम रूल है। कहते इसके अंदर भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आता है। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट करना भी इसको आसान रहता है, हमने D1 नाम से एक डिक्शनरी बनाई, ठीक, कर्ली ब्रैकेट्स बनाया। अब देखो कर्ली ब्रैकेट्स बनाए और तो कर्ली ब्रैकेट्स तो इसमें भी यूज होते हैं हमारे सेट के अंदर भी, लेकिन डिफरेंस यही है कि की वैल्यू पेयर जब जब हम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पहचान लेगा कि ये डिक्शनरी बनाई है ना कि सेट बना। तो सेट बनाते हैं तो हम सिंपल ऐसी वैल्यू रखते चले जाते हैं, ठीक, लेकिन जब हम डिक्शनरी बनाएंगे तो इसके अंदर की वैल्यू पेयर रखते हैं। और देखो की और वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, चाहे वो इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग टपल किसी भी नाम किसी भी उससे बना दो। ठीक है, की और वैल्यू को किसी भी नाम से बना सकते हैं, हमने बोला कि की बना दो, एक इंटीजर वैल्यू बना रहे हैं की, ठीक है, 2 नाम से बना दी, उसकी वैल्यू रख दी हमने क्या TW और 2। ठीक, फिर हमने बोला दूसरी हमने की बनाई, हमने दूसरी की बना दी मतलब हेलो नाम से बना दी, उसकी वैल्यू रख दी 99 रख दी। ठीक है, या इसकी कहते इस तरीके से ही वैल्यू रख देते हैं, हाई रख दी। ठीक, क्लियर है इतना, फिर से बताइएगा। अरे मतलब सबसे पहले हम की रखते हैं उसके बाद एक वैल्यू रखते हैं, चलो दूसरा एग्जाम्पल रखते हैं इसके अंदर भी। ठीक है, एक हमने बोला कि मधुर नाम की बना दी हमने की, उसमें कहते वैल्यू रख दी 99। ठीक है, या हमने रखा कि मधुर को पसंद है चॉकलेट। ठीक है, ये चॉकलेट पसंद है ना मधुर, मैसेज में आंसर कर देना। ठीक है, हमने पीयूष को रखा, पीयूष का हमने दिया कि पीयूष को पसंद है मान लो दाल चावल लिख दिए, दाल चावल पसंद है। सईद का लिखा हमने कोलन, इसमें एम कबाब पराठा ऐसी होगी। ठीक है, और ये देखते हैं पसंद है, हमने समझ लिया बिरयानी। ठीक, इस तरीके से बन गया, ये की हो गई, ये इसकी वैल्यूज। ठीक है, की वैल्यू की और वैल्यू इस तरीके से होती है हमारे डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, ये हमने बोला कि ये वर्ड है उसकी ये मीनिंग है। ठीक, इसको रन किया, वही सेम पहले करके देखते हैं हम कि D1 देखते हैं प्लस हम कहते हैं लेंथ देखेंगे किसकी, D1 की कॉमा टाइप देखने की कोशिश करेंगे D1। तो अब देख रहे हो, अरे ये क्या हुआ, ये ब्रैकेट इधर, ये ब्रैकेट
अब जो रन किया तो उसने देखो दिखा दिया ये डिक्शनरी हमारी प्रिंट हो गई, ये हमारी लेंथ आ गई, ये चार हैंगे इसके अंदर, तो देखो ये एक हुआ, ये एक है, ये दो, ये तीन, और ये चार की वैल्यू पे प्लस डिक्शनरी प्रूव हो गया कि हाँ ये डिक्शनरी बन गई हमारी, ठीक है इतना काम हो गया। हेलो 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 ठीक है, ये हमने देखो करके देखा प्रिंट, तो देखो सिंपली हो गया, सारी की सारी अलग वैल्यूज करी तो हो गया। अब देखो हम ये पॉइंट प्रूव करके देखते हैं कि हमेशा यूनिक होनी चाहिए, कि हमेशा यूनिक होगी, वैल्यू सेम हो सकती है, तो वैल्यू चलो हम सेम करके देख लेते हैं। इसको उठा के हम ये चॉकलेट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं इधर सेम टू सेम, ठीक है पेस्ट, हम रन किया तो देखो चल गया, ठीक है वैल्यू हमारी देखो हमने सेम रखी तो आ गई, ठीक है। अब हम देखो अगर की सेम रखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पे चेंज करके हमने बिरयानी कर दिया, ठीक है। अब देखो रन करेंगे तो देखो ये मधुर का जो चॉकलेट था अब वो स्टार्टिंग में चॉकलेट था, लेकिन जब बाद में बिरयानी हो गया तो इधर पे चेंज हो जाएगा, देखना अब तो ऊपर रन करेंगे हम इसको, तो नीचे वाले को जब रन करेंगे देखो इधर बिरयानी हो गया अब इस जगह पे भी, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने जो की सेम रखने की कोशिश करी तो उसने क्या करा, सिर्फ डिक्शनरी में हमेशा एक ही की होती है ये, तो उसने नई वाली की को रखा जो कि बिरयानी थी, ठीक है क्लियर हो गया। हम वैल्यू सेम रख सकते हैं, की सेम नहीं रख सकते, और की हम अपनी कहे थे चेंज भी कर सकते, जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग ही रखो, फ्लोट भी रख सकते, 3.14 नाम से रख दिया हमने मान लो, 3.14 नाम से हमने की रख दी, रन करेंगे तो देखो 3.14 नाम से आ गई हमारी की, ठीक है। किसी भी नाम से की और किसी भी नाम से वैल्यूज रख सकते हैं हम, इधर पैसे 99 करना चाहो या 100 करना चाहो, तो रन करेंगे चलेगा, ठीक है। कोई भी वैल्यूज हम रख सकते हैं, देखो इंटीरियर फ्लोट स्ट्रिंग लिस्ट भी रख सकते हैं हम, और टपल भी रख सकते हैं चाहे तो, इसको भी देख लेते हैं, ऐसा करते हैं इस जगह पे हटा के इधर L1 रख देते हैं, ऐसे ये लिस्ट हमने ऐसे बोल दिया कि ये लिस्ट है ये हमारी कोलन, और एक लिस्ट रख देते हैं, लिस्ट कैसे बनती है स्क्वायर ब्रैकेट से, इसके अंदर वैल्यूज रख देते हैं, रन करेंगे चल गया देखो, ठीक है क्लियर हो गई चीजें, ठीक है सर। पीयूष हो गए, ठीक है समझ में आ रही ना, ये सारी के सारे डेटा टाइप्स हो गए, सब समझ में आया अच्छे से। हेलो सर, ये सारे डेटा टाइप्स हो गए, इन सब की कहे थे प्रैक्टिस करना, जहां जहां हमने इंडेक्सिंग बताई है वहां वहां इंडेक्सिंग ट्राई करना, लिस्ट में टपल में और स्ट्रिंग में, इन तीनों में इंडेक्सिंग होगी मतलब ये स्लाइसिंग होगी, ठीक इसमें भी नहीं हो सकती है स्लाइसिंग, देखो अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, और ना इसमें हो सकती है, ये भी हमारा अनऑर्डर्ड है, ठीक है। ये हमारा डेटा टाइप्स खत्म, अब डेटा टाइप्स के बाद नया टॉपिक आता है हमारा टाइप कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन कह लो या टाइप कास्टिंग कह लो, चलो हम टाइप कन्वर्जन कर ले सीट में आसानी रहेगी। टाइप कन्वर्जन मतलब कि किसी भी डेटा टाइप का टाइप कन्वर्ट करना, जैसे मान लो हमने a इक्वल्स टू 1.343 ऐसे ये नंबर दे दिया, ठीक है तो ये क्या हुआ, फ्लोट है पक्का है ना। हेलो इंटीजर है कि फ्लोट है, फ्लोट है क्योंकि पॉइंट में लिखा है, ठीक इसको किया, फिर इसके बाद इसका देखो टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है हमें टाइप कन्वर्ट करवाना, तो हम कौन से टाइप रहते हैं देख लो, टाइप कौन से रहते हैं, ये सारे के सारे रहते हैं, जितने भी हमने डेटा टाइप देखे हैं सारे के सारे टाइप हैं, तो इन्हें कन्वर्ट कैसे करवाते हैं, जिस तरीके से करवाते हैं हमें देना पड़ता है कि हमें किस में कन्वर्ट करवाना, हमने कहा कि इंटीजर में कन्वर्ट करवाना, तो INT दे दिया, ये क्लास के आगे जो कुछ लिख के आ रहा था, ये क्लास के अंदर आगे जो लिख के आ रहा था, ये होते हैं टाइप कन्वर्जन की फंक्शंस,
इस तरीके से देख लो, ऊपर भी हमारा सेट का SET है, टपल का स्मॉल में टपल है, लिस्ट का स्मॉल में लिस्ट है, कहाँ गया ये रहा, स्मॉल में लिस्ट है ठीक, और स्ट्रिंग का STR है, इंटीजर का INT है। तो देखो ये टपल, ये सॉरी ये फ्लोट वैल्यू को अब हम इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेम वही चीज, बहुत सिंपल है कि इंटीजर ब्रैकेट और किसे कन्वर्ट करना है, ए को कन्वर्ट करना है। रन करेंगे तो देखो वन में कन्वर्ट हो गया, वन में कन्वर्ट करके हमने कहा कि बी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो इसे, इस तरीके से हम सेव करवा देंगे इसे ठीक, फिर प्रिंट करवा लेंगे बी को, रन करेंगे आ गया हमारा वन। क्लियर ऐप कन्वर्जन, समझ में आया थोड़ा थोड़ा? यस सर, एक सेकंड सर, ए वैल्यू इक्वल टू 1.234 है ना सर? नहीं कुछ भी रहे, हाँ नहीं वही बोल रहा हूँ, 1 के बाद 2 आया ना सर? अगर 1.234 अगर 2 को अगर 8 से बदल दे तो, 1 यार, टू को2 2 को 8 से बदल दो, 8 एट, हाँ बदल दिया, फिर रन करने से ये 2 आएगा ना, 1 ही रहेगा? वही रहेगा वो, ये सॉरी वन ही रहेगा वो, रन करेंगे देखो बन रहा, उसे इसके बाद की वैल्यू से मतलब ही नहीं रहता, वो इतनी वैल्यू को पूरी को हटा देगा। चाहे देखो इसके बाद हम ऐसे रख दें राउंड फिगर की सोच रहा था मैं। 9 रख दें तो भी के नहीं, राउंड फिगर नहीं करता वो, पॉइंट वैल्यू को हटा ही देता है, वन वन ही आएगा देखो, रन किया ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है सर। इसी देखो हम वैल्यूज को अब चेंज करके देखते हैं। अब ये हमने अभी क्या करा, हमने अपनी फ्लोट वैल्यू को बी के अंदर एज ए इंटीजर चेंज कर दिया हमने, ये किया है हमने इधर ठीक, हमने ये वैल्यू को फ्लोट वैल्यू को इंटीजर बना दिया है इधर, ये किया है। अब नीचे चेंज करते हैं, नीचे कुछ और करके देखते हैं। अब इधर हम एक ए वैल्यू को लेते हैं 9 जो कि इंटीजर है, उसे बी वैल्यू में एज अ फ्लोट कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ठीक है, फ्लोट कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे किसको, ए को, प्रिंट कराएंगे अब हम बी को, रन करेंगे तो हमारी ये फ्लोट में चेंज हो गई ठीक है। उसके आगे क्या है, उसके आगे देखो अगर हम ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि अगर ए वैल्यू के अंदर अगर हम हेलो रख दें ठीक, अब हम इसको अगर कन्वर्ट करवाने की कोशिश करोगे अगर किसमें, इंटीजर में या फ्लोट में, तो क्या होगी बताओ? हेलो, नाइन, हेलो 0.0 हेलो हमने तो इंटीजर रखा ना, हेलो ही आएगा। नहीं आएगा, एरर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग को कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हम। कि अगर कोई तुमसे कह दे कि ABCD, तो पूछ रहे उससे नंबर, वो तो मैं ABCD बोले, पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, कन्वर्ट कर ही नहीं सकते कुछ उसका, ना इंटीजर में कन्वर्ट होगा ना ही ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा, रन करेंगे तो ये भी एरर देगा ठीक है, स्ट्रिंग टू फ्लोट हेलो एरर है ठीक, ये लिखा है देखो इसने, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। फिर और क्या है, अगर स्ट्रिंग के अंदर, अभी देखो हमने क्या दिया, हेलो दिया, हम एक एस नाम की स्ट्रिंग बना रहे थे, उसके अंदर अगर हम ऐसे दे दें के, मान लो 8.431 ठीक है, अब तो ये हमारा कन्वर्ट हो सकता है ठीक है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्लोट को एस को, हमने कहा कि बी में सेव करवा दो किसको, फ्लोट कन्वर्ट करके किसको, एस को। तो अब देखो अब रन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, हो गया ठीक है। अगर हम देखो इंटीजर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देगा अभी भी, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि 8.431 को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर ये रहेगा तो कर देगा। और अगर इंटीजर है और हम इधर फ्लोट देंगे तब तब भी ये करवा देगा, देखो रन करेंगे करवा दिया इसने ठीक है, ठीक है। क्लियर? हेलो, ठीक अगर हम तुमसे कहें कि अगर अगर ऐसे 83 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू है ठीक है, 83.31 ठीक, हाँ ठीक है ठीक
हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया तो देखो 83 आया, हमने कहा कि इसको 83.31 नहीं चाहिए हमें, इसका आउटपुट हमें चाहिए सिर्फ 83। तो फिर क्या करेंगे, अगर इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इंटीजर में इधर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा प्रिंट एस हो जाएगा नहीं होगा, नहीं होगा, ये डायरेक्ट वो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम पहले से फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो फ्लोट में हो गया, अब फ्लोट नंबर को हम चेंज कर लेंगे चाहे तो। हमने बोला कि फिर से बी वेरिएबल के अंदर इंटीजर की बी वाली वैल्यू को स्टोर करवा दो। तो ये क्या होगा, ये बी को इधर रख देगा अच्छा जो कि ये है 83.31, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा जो कि हो जाएगा सिर्फ हमारा 83, और उसे वापस से स्टोर करवा देगा बी के अंदर, प्रिंट करवाएगा जब बी को तो 83 आएगा वो हमारा। देखो समझ आई प्रोसेस, ठीक है ठीक है, याद रखना कि ये कन्वर्ट नहीं करता है स्ट्रिंग, नहीं अल्फाबेट्स कन्वर्ट इनटू ठीक है, ये सेव कर लो तुम लोग भी, ठीक है, कर लिया। अच्छा ज्यादा होने लगे तो बता देना, फिर नहीं करेंगे। ठीक है कर लिया नोट, सर ये इसके बाद देखो अब L1 हम लिस्ट ली थी जो हमने ऊपर, वही ले लेते हैं इधर पे भी L1, ये हमारी L1 क्या है, लिस्ट है, ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है L1 हमारी ये लिस्ट है, हमने प्रिंट करा के देखा, ये लिस्ट आ गई हमारी। हमने बोला है इसको टपल में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, हेलो सर हमने बोला एक टी नाम का एक टपल बनाओ, मतलब टी नाम का हमने बोला कि टपल के अंदर सेव कर दो किसको, L1 को, ऐसे कन्वर्ट होगा टपल में जैसे भी इंटीजर फ्लोट में कर रहे थे कि इंटीजर हाँ दे रहे थे और ब्रैकेट में दे रहे थे किसको कन्वर्ट करना, तो हम ऐसे ही देंगे कि टप्पल में कन्वर्ट कर दो किसको, L1 को, इसमें स्टोर करवा दो, टी में स्टोर करवा दो हमने बोला, प्रिंट करा लेंगे अब हम टी को, रन करेंगे तो देखो टप्पल में कन्वर्ट हो गया। अभी ये जो ब्रैकेट्स देखो चेंज हो गए, जो लिस्ट का ब्रैकेट था अब वो टप्पल का ब्रैकेट हो गया। अब जो हमारा टी है वो हमारा टपल बन चुका, हमने बोला अब इसको सेट में कन्वर्ट कर दो, तो सेट में कन्वर्ट कर देंगे किसको, टी को, उसको एस नाम में स्टोर करवा दिया, प्रिंट करा दिया एस को, रन किया तो अब सारे यूनिक आ गए, जितने भी ये रिपीटेशन थे 5 और 7 सब गायब हो गए, ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। हेलो, जरूरी नहीं है कि टपल को ही कन्वर्ट कर सकते, सेट में लिस्ट को भी कन्वर्ट कर सकते, तो L1 को दे दिया हमने इधर, तो भी रन किया यही सेम आया, क्लियर हो गया, ठीक हाँ सर है। ये टाइप कन्वर्जन होते हैं, जो कन्वर्ट हो सकते हैं वही होंगे, जो नहीं होंगे वो एरर दे देंगे हमें। आज के लिए सर मेरे लिए ज्यादा हो रहा है, आज के लिए काफी कर दे ठीक क्या सर? है सर, सही लगते हैं, बता ठीक है। ये डेटा टाइप और टाइप कन्वर्जन देख लिया हमने, टाइप कन्वर्जन हो गया पूरा, इतना ही था, ठीक है। इसके आगे नया टॉपिक होगा वो बाद में करेंगे हम लोग,
ऐसे हैश बना दे भी आ जाएगा। ठीक, टाइप कन्वर्ट, टाइप डेटा टाइप और टाइप कन्वर्जन हमने बता दिए, सारे नोट कर लिए ना तुम लोगों ने? नोट कर लिए थे? हाँ सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ सारे ले लिए। हेलो हेलो हेलो, अरे बोलो तो कुछ तो, आंसर दो। हाँ हाँ सुन रहे हैं। अरे सब भाग गए हो क्या? हेलो सर, मैं हूँ सर। हाँ तो मधुर भी है सर, पीयूष बोल क्यों नहीं रहा? हाँ बोले। हाँ ठीक है, डेटा टाइप और टाइप कन्वर्जन हो गया, ये प्रैक्टिस कर लेना, नोट कर लिए ना आपने पीयूष? हेलो हेलो पीयूष, तो हाँ नोट कर लिए सर? ठीक है मधुर, आपने भी कर लिया होगा। ठीक है तो ऐसा करना, अभी आज सब लोग abhinav@crowd.in@gmail कर देना, ठीक है? हेलो हेलो, हाँ सर, एक ईमेल कर देना। पहली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? पहली क्लास में हमने किया था वेरिएबल कॉमा, और हमारे क्या किए थे हम लोगों ने, कमेंट किया था और इंट्रोडक्शन किया था पूरा, इंट्रोडक्शन एंड सेटअप, सॉरी इंट्रोडक्शन और सेटअप एक बार किया था, दूसरी क्लास में शायद किया था ये वेरिएबल, ये एक ही में किया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन सेटअप वेरिएबल और कमेंट, ये एक ईमेल करोगे आप लोग सब कंप्लीटेड नाम से, ये एक हमने करवा दिया है। ठीक है, हेलो दूसरा ईमेल करोगे, हेलो सर, ये डेटा टाइप एंड हेलो डेटा टाइप एंड टाइप कन्वर्जन, ये भी कंप्लीटेड ऐसा लिख के ये हमारे उस पे कर दो, मेरे जीमेल पे कर दो तुम लोग। कहाँ पास रहेगा कि पूछते हैं कि क्या क्या कंप्लीट करवा दिए, तो ईमेल फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कर दोगे? नोट कर लो abhinav@crowd.in, इस पे जीमेल करना है, ईमेल करना है, लिख के इंट्रोडक्शन एंड सेटअप, इंट्रोडक्शन सेटअप वेरिएबल कमेंट्स कंप्लीटेड, और दूसरा ईमेल करो कि डेटा टाइप एंड टाइप कन्वर्जन कंप्लीटेड, ये आज हो गया। हेलो तीनों लोग कुछ बोल तो दो कि हाँ कर दोगे। हो गया सर, ठीक है कर दिया। ठीक है ये कर देना और ये प्रैक्टिस करना, ये ऊपर अभी आज जो बताया है, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना फिर कल। ठीक है ट्राई जरूर करना, ये नहीं कि पढ़ा दिए तुम लोग बस बंद करके बैठ जाओ, प्रैक्टिस करोगे तो ही सीखोगे। ठीक है कल बताना कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक फिर एग्जिट कर रहे हैं फिर। ठीक है सर, बाय बाय सर।